दरभंगा जिला के केवटी निवासी सह अलीनगर विधानसभा के बीजेपी विधायक मिश्रीलाल यादव के बेटे धीरज यादव के खिलाफ केवटी थाना प्रभारी को जान से मार देने की धमकी और सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने के आरोप लगाते हुए केवटी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। खुद केवटी थाना प्रभारी अनोज कुमार ने यह प्राथमिकी दर्ज कराई है। थाना प्रभारी अनोज कुमार के लिखित आवेदन के अनुसार केवटी थाना की पुलिस एक वारंटी लालधारी यादव को गिरफ्तार कर जैसे ही थाना पर लाती है, इसके बाद विधायक के पुत्र धीरज यादव फोन कर गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने की बात थाना प्रभारी से करते हैं। पुलिस उनकी बात सुनकर गिरफ्तार वारंटी को छोड़ने के बदले कानूनी सम्मत कार्रवाई करने में जुट जाती है। इस बात पर विधायक पुत्र अपना आपा खो देते हैं। फोन पर ही थाना प्रभारी को अपने विधायक पिता के धौंस दिखाते हुए सिर्फ भद्दी भद्दी गाली देते हैं, बल्कि थाना प्रभारी अनोज कुमार को गोली मारने की धमकी की बात कह देते हैं। इतने पर बात नहीं रुकती है। धीरज यादव के कुछ लोग थाना पर पहुंचकर हंगामा करते हैं और इन सभी बातों को लेकर थाना प्रभारी ने अपने ही थाना में एक प्राथमिकी दर्ज कराई है। घटना के संबंध में सदर SDPO अमित कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए घटना के संबंध में पूरी जानकारी में पत्रकारों ने जब उनसे जानना चाहा कि पूरा क्या घटना है, पूरा क्या मामला है, केवटी थाना में क्या आवेदन थाना प्रभारी के द्वारा दिया गया है, तो सदर SDPO अमित कुमार ने पत्रकारों को पूरी जानकारी दी। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से, मनोज झा। देखिए मामला यह है कि केवटी थाना के द्वारा कल एक नॉन अवेलेबल वारंटी को, जिनका नाम लालधारी यादव है, उन्हें गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी के बाद धीरज कुमार यादव, जो अलीनगर विधायक श्री मिश्रीलाल यादव के सुपुत्र हैं, उनके द्वारा थानाध्यक्ष केवटी को कई बार कॉल किया गया विभिन्न नंबरों से, जो सरकारी नंबर है केवटी थानाध्यक्ष का उस पर और उनके व्यक्तिगत नंबर पर, और कॉल करके बहुत ही अमर्यादित तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए बार बार धमकाया गया कि यदि वो उस गिरफ्तार व्यक्ति को नहीं छोड़ेंगे तो उनको परिणाम भुगतना पड़ेगा। ऐसा करने के क्रम में लगभग, जैसा बताया गया, 30-40 बार उन्होंने कॉल किया है और जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसे छुड़ाने का प्रयास किया गया। कुछ लोग भी आए थे बाद में जो गिरफ्तार व्यक्ति थे उनसे मिलने के लिए, उनके द्वारा भी कुछ अभद्रता की गई है थाने पे। देखिए जो ऑडियो क्लिप्स आ रहे हैं हमारे पास ऑडियो क्लिप्स आए हैं, उनमें इस बात की पुष्टि करनी होगी। देखिए किसी मंजिले के द्वारा फोन पर किसी अभद्र भाषा का प्रयोग किए जाने का मतलब ये नहीं है कि पुलिस सुरक्षित नहीं है। मतलब ये है कि वो अपनी सीमा लांग रहे हैं। किसी भी सभ्य व्यक्ति को सभ्य समाज में ऐसी भाषा का प्रयोग किसी के लिए भी नहीं किया जाना चाहिए। किसी के द्वारा भी किया जाता है तो संविधान की धाराएं, जो YPC की धाराएं हैं, वो सेम है, उन्हीं धाराओं का अनुपालन करते हुए FIR सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दर्ज कराई गई है, आगे की कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तारी के लिए कोई प्रयास कर रही है क्या? कार्रवाई की जा रही है, गिरफ्तारी के लिए भी पता किया जा रहा है। देखिए आदतन यह है कि पूर्व में भी उन पर कई केसेस हैं, कुछ ट्रायल स्टेज पर हैं, कुछ फाइनल हुए हैं और विवादों में रहे हैं, वो बड़ा हिस्ट्री है। विधायक पुत्रों ने कभी सर उन्होंने धमकी दिया क्या? बताई गई है कि ऐसी बातें कही जा रही थी। सर क्या उसमें जो आवेदन है जो हम लोगों को प्राप्त हुआ है उसके अंदर साफ लिखा है कि न सिर्फ थाना प्रभारी बल्कि जिले की वरीय अधिकारी का भी कोर्ट किया गया, तो उनको लेके भी धमकी दी गई? हाँ उन्होंने दी है, धमकी दी है उन्होंने, वरीय अधिकारी का भी नाम लिया है। तो सख्त कार्रवाई करने जा रही है पुलिस इस पूरे विषय पर? मैंने कहा ना, जो नियम संगत नियमानुकूल धाराओं के अंतर्गत जो प्रावधानित है वैसी कार्रवाई की जाएगी। प्रेस मिल पाया कहाँ है धीरज यादव अभी वर्तमान में? पता किया जा रहा है। अच्छा पुलिस को इस तरह की बात हो, पुलिस के जब छापेमारी की